हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज का जो लेक्चर है इसमें अपन जो है आपका मान के चलो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आप लोग आंसर दे रहे हो, ऑनलाइन क्वेश्चन टेस्ट चल रहा है। तो चिकित्सा स्थान का ये लास्ट पार्ट है जिसमें अपन इसका मान के चलो सेकेंड लास्ट है, इसके बाद में आपको फाइनल होगा। तो अपन इसमें जो है 21 से लेकर के 30 तक का जो चैप्टर है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो मैं आपके सामने प्लॉट करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का जो टेस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, क्या बोला गया है? आचार्य चरक अनुसार कर्दम विषर्प में दोष प्राधान्य होता है। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आचार्य चरक अनुसार कर्दम विषर्प में दोष प्राधान्य होता है। कौन से दोष की प्रधानता आपको देखने को मिलता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है वात पित्त, ऑप्शन बी है पित्त कफ, ऑप्शन सी है वात कफ और ऑप्शन डी है सन्निपात। अगेन क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आचार्य चरक अनुसार कर्दम विषर्प में कौन से दोष की प्रधानता देखने को मिलती है? चार ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। तो जो है मेनली पित्त कफ दोष की कर्दम विषर्प में आपको प्रधानता देखने को मिलती है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी जाएगा पहला का, पित्त कफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो NIA लेक्चरर के एग्जाम में आया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है, न ही डैश सम किंचित वात रक्त चिकित्सितम। बताओ वात रक्त की चिकित्सा में क्या करते हैं अपन? यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आपका वमन, ऑप्शन बी है आपका वस्ती, ऑप्शन सी है आपका नश्य और ऑप्शन डी है आपका रक्त मोक्षण। क्या किया जाता है? अगेन कोटेशन आप लोग देख लो। नाउ आंसर अपन, आप लोग अपना फाइनल पुटअप करो। क्या करते हैं? डैश सम किंचित वात रक्तम चिकित्सतम। फाइनल आंसर बताऊं, मैच कर लेना। तो ना ही बस्ती सम किंचित वात रक्तम चिकित्सितम। तो आंसर क्या जाएगा? वस्ती बी आंसर जाएगा सेकंड का। मैच करते चलो अपना अपना आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं मैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये आपका, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो पिपलिका संचरणम लक्षण किस व्याधि में मिलता है? पिपलिका संचरणम लक्षण किस व्याधि में मिलता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, पिपलिका संचरणम लक्षण किस व्याधि में मिलता है? ऑप्शन ए है आपका प्रमेह, ऑप्शन बी है आपका कुष्ठ, ऑप्शन सी है आपका विषर्प और ऑप्शन डी है आपका कृमि रोग। पिपलिका संचरणम किस व्याधि में मिलता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रमेह, कुष्ठ, विषर्प, कृमि रोग। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, पिपलिका संचरणम किस व्याधि में आपको देखने को मिलते हैं? तो विषर्प में आपको देखने को मिलते हैं। आंसर क्या जाएगा? थर्ड का सी जाएगा। मैच करते चल रहे हो? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा विषर्प प्रकार एक देश ग्राही होता है? कौन सा विसर्प का प्रकार एक देश ग्राही होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए अग्नि विसर्प, ऑप्शन बी कर्दम विसर्प, ऑप्शन सी ग्रंथि विसर्प और ऑप्शन डी कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छा समझो, कौन सा विसर्प प्रकार एक देश ग्राही होता है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपना अपना आंसर मैच कर लेना। तो एक देश जो ग्राही होता है वो कर्दम विषर्प होता है। बी आंसर जाएगा इसका, कर्दम विषर्प। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। क्या बोला गया है फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में? तो चरक चिकित्सा में उपद्रव के लक्षण का वर्णन कहाँ आया है? चरक चिकित्सा में उपद्रव के लक्षण का वर्णन कहाँ पे आया है?
चार ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए है ज्वर चिकित्सा में, ऑप्शन बी है तृष्णा चिकित्सा में, ऑप्शन सी है विसर्प चिकित्सा में, और ऑप्शन डी है ग्रहणी चिकित्सा में। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो किस में आया है। चरक चिकित्सा में उपद्रव के लक्षणों का वर्णन कहाँ पे आया है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो उपद्रव के लक्षणों का जो है वर्णन, मतलब उपद्रव के लक्षणों का वर्णन चिकित्सा, तो यहाँ पे आपका जो है मेनली विसर्प में आया है। सी आंसर जाएगा फिफ्थ का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विसर्प में दुष्य की संख्या है, कितने दुष्य होते हैं विसर्प में? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी है सिक्स, ऑप्शन सी है फाइव, पर है ऑप्शन डी है फोर। कितने दुष्य होते हैं विसर्प में? सिक्स नंबर का क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, तो विसर्प में अपने अपना आंसर मैच करना। तो विसर्प में आपके चार दुष्य होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सेवंथ नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहा ये, क्या बोला गया है? तो किस रोग में अल्प जलपान करने का विधान है? किस रोग में अल्प जलपान करने का विधान है? चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए प्लीहा रोग, ऑप्शन बी मंदाग्नि, ऑप्शन सी उदर रोग, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, किस रोग में अल्प जलपान पीने का विधान है? चार ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो प्लीहा रोग भी है, मंदाग्नि भी है, और उदर रोग भी है। सभी में अल्प जलपान करने का विधान बताया गया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी जाएगा, उपरोक्त सभी जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। एट्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, वो रहा ये। तो निद्रा नाशक है, क्या है निद्रा नाशक? चार ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ, निद्रा नाशक कौन सा आप लोग बताना। ऑप्शन ए वातत्रिष्णा, ऑप्शन बी पित्तस्तृष्णा, ऑप्शन सी आमस्तृष्णा, और ऑप्शन डी रसचयस्तृष्णा। कौन जो है निद्रा नाशक है? वातस्तृष्णा, पित्तस्तृष्णा, आमस्तृष्णा, रसचयस्तृष्णा। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, तो आपका जो वातस्तृष्णा होता है वो निद्रा नाशक होता है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मूर्छागत तृष्णा में किस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए? मूर्छागत तृष्णा में किस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए? नाइन्थ नंबर का ये क्वेश्चन है, मूर्छागत तृष्णा में किस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए शोष, ऑप्शन बी क्षय क्षयज कास, ऑप्शन सी रक्तपित्त, और ऑप्शन डी आमज तृष्णा। अगेन क्वेश्चन समझो, मूर्छागत तृष्णा में किस व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए? चार ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो मूर्छागत तृष्णा में रक्तपित्त की चिकित्सा करनी चाहिए, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये बताओ मुझे क्या बोला गया है कोटेशन में। तो यहाँ पे दंश का लक्षण दिया गया है और इसको आपको पहचान के बताना है। दृष्टो असाध्यस्तु दृग्घ्राण रसो रसनोपहत्यो नरः मासे मासे पद्दिदे, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे बोला गया है मासे पद्दीर्यथे वेदना। तो यह किसके दंश का लक्षण है? किसके दंश का लक्षण है? 10th नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो समझो। नौ मैं ऑप्शन प्लॉट करता हूँ आपके सामने। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका असाध्य वृश्चिक, ऑप्शन बी है असाध्य मूषक, ऑप्शन सी है प्राणहर मूषक प्राणहर लूतक के, और ऑप्शन डी है आपका गिरगिट के। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, 10th नंबर का। नाउ ऑप्शन आपके सामने चार ये रहा। फाइनल आंसर पुट अप कर लो। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका बोला गया है दृष्टो असाध्यस्तु दृक ग्रहण रसोनो पहतो नरह, ये मिल ले आपका असाध्य वृश्चिक के दंश का लक्षण है। तो 10th का आपका क्या जाएगा? ए जाएगा आंसर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करता हूँ, और आपके सामने 11th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया 11th नंबर के क्वेश्चन में, तो विषयुक्त अन्न के सेवन से काग काग में क्या लक्षण आते हैं। तो विषयुक्त अन्न के सेवन से काग में क्या लक्षण आते हैं, 11th नंबर का ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए नेत्र में अश्रु, ऑप्शन बी नेत्र रक्तवर्ण के हो जाता है, ऑप्शन सी छाम स्वर, और ऑप्शन डी मृत्यु। विषयुक्त अन्न के सेवन से काग में क्या लक्षण आते हैं, चार ऑप्शन, फाइनल आंसर पुट अप करो। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो विषयुक्त अन्न के सेवन से काग में क्या लक्षण आता है, तो छाम स्वर हो जाता है, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, तो 12th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट किया। और 12th नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, पिपल्यादि अंजन निर्माण में द्रव्यों को पीसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पिपल्यादि अंजन निर्माण में द्रव्यों को पीसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 12th नंबर के ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका गौमूत्र, ऑप्शन बी है आपका गोपित्त, ऑप्शन सी है रोहू मछली का पित्त, और ऑप्शन डी है आपका मधु। अगेन क्वेश्चन समझो, 12th नंबर का, पिपल्यादि अंजन निर्माण में द्रव्यों को पीसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लो। तो रोहू मछली के पित्त का प्रयोग किया जाता है पिपल्यादि अंजन निर्माण में, सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ 13th नंबर का। 13th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, चरक अनुसार विष की चिकित्सा होती है, क्या होती है विष की चिकित्सा सारे चरक के अनुसार। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ऑप्शन ए है आपका लक्षण विरुद्ध, ऑप्शन बी है आपका धातु विरुद्ध, ऑप्शन सी है आपका दोष विरुद्ध, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझो, चरक अनुसार विष की चिकित्सा होती है। चार ऑप्शन है आपका, लक्षण विरुद्ध, धातु विरुद्ध, दोष विरुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो चरक अनुसार विष की चिकित्सा होती है, तो दोष विरुद्ध होती है, सी आंसर जाएगा आपका। 13th का आपका सी हो गया, दोष विरुद्ध होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 14th नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो ये मेरे को बताओ। यहाँ पे आपका बोला गया है, डैश रक्त स्थिते सीर कर्म सॉरी सीरा कर्म पंचविधम, यह विष के संदर्भ में, किस विष प्रकार के विष के संदर्भ में बोला गया है। तो रक्त स्थिते सीरा कर्म पंचविधम, ये किसके संदर्भ में, किस विष के संदर्भ में बोला गया है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ऑप्शन ए है आपका स्थावर विष, ऑप्शन बी है आपका जंगम विष, ऑप्शन सी है आपका दूषी विष, और ऑप्शन डी है आपका गर्भ विष। अगेन क्वेश्चन को अच्छे समझो, 14th नंबर का क्वेश्चन समझने के बाद में ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो यहाँ पे आपका बोला गया है दूषी विष रक्त स्थिते सिरा कर्म पंचविधम, तो आपका आंसर क्या जाएगा 14th का, सी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 15th नंबर का। क्या बोला गया 15th नंबर के क्वेश्चन में, तो मृत संजीवनी अगत के लिए द्रव्यों में कब एकत्र करना चाहिए। तो मृत संजीवन अगत के लिए द्रव्यों में कब एकत्र करना चाहिए, बताओ। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी है आपका अगस्त नक्षत्र के उदय के समय, और ऑप्शन सी है आपका पुष्प नक्षत्र में, और ऑप्शन डी है कोई ऐसा कोई नियम नहीं है। 15th नंबर का क्वेश्चन देखो, चार ऑप्शन है आपके सामने।
फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो मृत संजीवनी अगत के लिए द्रव्यों के कब एकत्र करना चाहिए? मृत संजीवनी अगत बनाने के लिए द्रव्यों को मेनली पुष्प नक्षत्र में एकत्र करना चाहिए, ये मेनली बोला गया है। तो 15th का आपका सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, 16th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे बोला गया है जलस्य सेतु यर्था तथा डैश निम्न में से किसके लाभ के संदर्भ में आया है? क्वेश्चन अच्छे समझो 16th नंबर का। नौ चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। पहला आंसर, पहला ऑप्शन है आपका अचूषण, ऑप्शन बी है आपका अरिष्ट बंधन, ऑप्शन सी है आपका रक्त मोक्षण और ऑप्शन डी है आपका प्रदेह। अगेन क्वेश्चन समझो 16th, चार यहाँ पे आपके ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो जलस्य सेतु यर्था तथा अरिष्ट बंधन, तो मेनली ये क्या है, अरिष्ट बंधन के लिए बोला गया है। तो 16 का आपका क्या जाएगा, बी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लॉट करता हूँ मैं 17th नंबर का। क्या बोला गया है, तो विष के किस गुण से प्राणों को नष्ट करता है? विष के किस गुणों से प्राणों को नष्ट करता है, ये आपका क्वेश्चन है। विष जो है किस गुण से प्राणों को नष्ट कर रहा है? ऑप्शन ए है आपका व्यक्त रस, ऑप्शन बी है शीघ्र, ऑप्शन सी है व्यावी और ऑप्शन डी है विकासी। किस गुण से प्राणों को नष्ट करता है विष? 17th का चार ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना आप लोग। तो विष किस गुण से प्राणों को नष्ट करता है? तो विकासीय गुण से प्राणों को नष्ट करता है, विकासी होने के कारण शीघ्रता से फैल के। तो 17th का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, दैट इज 18th नंबर क्वेश्चन। तो पित्त प्रकृति पुरुष में किस प्रकार की मध्य निर्दिष्ट है? तो पित्त प्रकृति पुरुष में किस प्रकार की मध्य निर्दिष्ट है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका गुड़ निर्मित, ऑप्शन बी है आपका मधु निर्मित, ऑप्शन सी है आपका मुनक्का निर्मित और ऑप्शन डी है आपका चावल के आटे से निर्मित। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, 18th नंबर का क्वेश्चन। नौ चार ऑप्शन है आपके सामने, गुड़ निर्मित, मधु निर्मित, मुनक्का निर्मित और चावल के आटे से निर्मित। फाइनल आंसर बता रहा हूँ 18th का। तो पित्त प्रकृति पुरुष में किस प्रकार के मध्य निर्दिष्ट है? तो मुनक्का से निर्मित, आंसर जाएगा आपका सी, 18th का सी हो गया। नौ 19th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 19th नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर बोला गया है निम्न में से ध्वंसक का लक्षण है, निम्न में से ध्वंसक का लक्षण है। चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा बताओ। ऑप्शन ए है आपका छड़ी, ऑप्शन बी है आपका मोह, ऑप्शन सी है ज्वर और ऑप्शन डी है निद्रा का तीव्र। कौन ध्वंसक का लक्षण है? ऑप्शन ए छर्दी, ऑप्शन बी मोह, ऑप्शन सी ज्वर और ऑप्शन डी निद्रा का तीव्र। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, कौन सा ध्वंसक का लक्षण है? तो निद्रा का अतियोग, 19th का आपका डी हो जाएगा। नाउ 20th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 20th नंबर के क्वेश्चन में आपके यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा मध्य का अनुरस नहीं है, निम्न में से कौन सा मध्य का अनुरस नहीं है, कौन सा मध्य का अनुरस नहीं है। चार ऑप्शन है आपका, मधु, अम्ल, कटु, तिक्त। कौन सा जो है मध्य का अनुरस नहीं है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, ऑप्शन ये है आपके। फाइनल आंसर बता रहा हूँ 20th का। तो मध्य का अनुरस नहीं है, कौन नहीं है, नहीं है अनुरस मध्य का, ऐसा आप समझ सकते हो। तो अम्ल जो है वो अनुरस नहीं है। फिर आपका 20th के बाद में 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका, अतिसार लक्षण है, किसका लक्षण है अतिसार? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है वातज मदात्य का, ऑप्शन बी है पित्तज मदात्य का, ऑप्शन सी है आपका कफज मदात्य का और ऑप्शन डी है आपका त्रिदोषज मदात्य का। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, अतिसार लक्षण है, किसका लक्षण है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना आप लोग। तो अतिसार किसका लक्षण है, तो पित्तज मदात्य का लक्षण है, बी जाएगा आंसर 21 का आपका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन। और 22 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है,
तो सभी मदात्य डैश होते हैं, 22 में बोला गया है सभी मदात्य डैश होते हैं। डैश को फिल इन द ब्लैंक करना है आपका वापस, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है कफज, ऑप्शन सी है पित्तज और ऑप्शन डी है आपका त्रिदोषज। अगेन 22 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। सभी मदात्य क्या होते हैं, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो सभी मदात्य जो होते हैं वो त्रिदोषज होते हैं, डी जाएगा आपका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे चरक अनुसार मदात्य में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या सत्य है, चरक अनुसार मदात्य में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या सत्य है, 23 नंबर के क्वेश्चन है। चार आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका उत्तम कथन सुनना, ऑप्शन बी है आपका भौरों का शब्द, ऑप्शन सी है आपका मेधों का गर्जन सुनना और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। नाउ चार ऑप्शन है आपके सामने, फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चरक अनुसार मदार्थ में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या सत्य है, तो उत्तम कथन सुनना भी सत्य है, भौरों का शब्द सुनना भी सत्य है और मेधों का गर्जन सुनना भी सत्य है। तो आपका क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद में 24th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे 24th में, तो मदात्य अध्याय में कितने त्रिकों का वर्णन आया है, तो मदात्य अध्याय में कितने त्रिकों का वर्णन आया है। चार आपके ऑप्शन है, तीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 8। कितने त्रिक बताए गए हैं मदात्य जो अध्याय है उसमें, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो चार त्रिक बताए गए हैं, सॉरी 8 त्रिक बताए गए, डी आंसर जाएगा 24 का डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 25th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिक्का श्वास लक्षण है, किसका लक्षण है हिक्का श्वास। ऑप्शन ए है आपका वातज मदात्य, ऑप्शन बी है पित्तज मदात्य, ऑप्शन सी है कफज मदात्य और ऑप्शन डी है त्रिदोषज मदात्य। हिक्का श्वास किसका लक्षण है, ऑप्शन ए है वातज मदात्य, ऑप्शन बी है पित्तज मदात्य, ऑप्शन सी है कफज मदात्य, ऑप्शन डी है त्रिदोषज मदात्य। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो हिक्का श्वास जो है किसका लक्षण है, तो ये मेरे लिए आपका वातज मदात्य का लक्षण है, ये आंसर जाएगा यहाँ पे 25th का आपका ए। नाउ 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है वो अपन देख लेते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका कोटेशन दिया गया है और पूछा गया है कि मद की कौन सी अवस्था का ये लक्षण है। रम्याणाम स विषयान्न वेति न सृजनम्, मद की किस अवस्था का लक्षण है। 26 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए। चार ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। कौन सी अवस्था का लक्षण है ये, अगेन क्वेश्चन अच्छे से समझो। 26 चार आपके सामने ऑप्शन आ गए, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ये तृतीय अवस्था का लक्षण है, सी आंसर जाएगा आपका। नाउ 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है, महानील तैल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो महानील तैल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, 27 नंबर के क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए पान के रूप में, ऑप्शन बी नस्य के रूप में, ऑप्शन सी शिरोभ्यंग के रूप में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो महानील जो तैल है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, चार ऑप्शन हो गए, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करना। तो महानील जो तैल है उसका प्रयोग पान में भी करते हैं, नस्य में भी करते हैं और शिरोभ्यंग में भी करते हैं। तो क्या आएगा आंसर, डी जाएगा उपरोक्त सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 28 नंबर का। तो यहाँ पे बोला गया है कर्पास मूलादि योग का रोगाधिकार है, क्या है रोगाधिकार कर्पास मूलादि योग का। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा,
ऑप्शन ए मूत्रकृच, ऑप्शन बी हृदरोग, ऑप्शन डी सॉरी सी उदावर्त, और ऑप्शन डी सिरोरोग। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, कर्पास मुलादी, योग का रोगाधिकार क्या है? फाइनल आंसर मैं इसका बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो कर्पास मुलादी योग का जो रोगाधिकार है वो आपका मूत्रकृच को बताया गया है, ये आंसर जाएगा 28 का आपका ए। 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, चरक ने शिलाजीत का प्रयोग किस हृदय रोग में बताया है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, चरक ने शिलाजीत का प्रयोग किस रोग में बताया है? चार आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, और ऑप्शन डी कृमिज। क्वेश्चन समझ लिए, चार ऑप्शन है आपके सामने, फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो जो कफज हृद रोग है उसमें शिलाजीत का प्रयोग आचार्य चरक ने बताया, सी आंसर जाएगा। और 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्लॉट करता हूँ मैं। 30 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका, तो यहाँ पे आपका बोला गया है द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण का घटक द्रव्य निम्न में से नहीं है, नहीं है पूछा गया है, ये चीज ध्यान रखो। तो नहीं है द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण का घटक द्रव्य, ऐसा आप समझ सकते हो। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ऑप्शन ए वचा, ऑप्शन बी चित्रक, ऑप्शन सी पाठा, और ऑप्शन डी विडंग। 30 नंबर का क्वेश्चन है, चार आपके सामने ऑप्शन है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो पाठा नहीं है, बाकी सभी है, वचा चित्रक विडंग ये सभी है, पाठा नहीं है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिमर्म में सम्मिलित नहीं है, बहुत इजी है। ऑप्शन है आपका नाभि, वस्ती, बी सी हृदय, और आपका डी शिर। त्रिमर्म में सम्मिलित नहीं है करके पूछा गया है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना, ऐसे आ तो गया होगा सभी को। तो सिर हृदय वस्ती को बोला जाता है त्रिमर्म, नाभि नहीं आता उसके अंतर्गत। 31 का आपका ये हो जाएगा। नाउ 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहा आपका, अस्मरी का कौन सा लक्षण चरक एवं सुश्रुत दोनों में निर्दिष्ट किया है, मतलब दोनों ने निर्दिष्ट किया है, अस्मरी का कौन सा लक्षण चरक एवं सुश्रुत दोनों ने निर्दिष्ट किया है? ऑप्शन ए है आपका मधुक पुष्पवर्णी, ऑप्शन बी है आपका काकंड प्रतिमम, इसके अलावा आपका ऑप्शन सी है आपका कदम्ब पुष्प पुष्पाकृति, और ऑप्शन डी है आपका बल्लातक अस्थि प्रतिमा। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ो, अस्मरी का कौन सा लक्षण चरक और सुश्रुत दोनों ने बताया है? चार ऑप्शन है आपका, फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो अस्मरी का कौन सा लक्षण चरक और सुश्रुत दोनों ने बताया? तो काकांड प्रतिमा बी आंसर जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, क्या बोला गया है? दृष्टि प्रसाद सॉरी दृष्टिप्रद वर्ती निर्माण करते समय घटक द्रव्य को दूध में घोटकर कौन से पात्र में लेप करके रखना चाहिए? क्वेश्चन अच्छे समझो, 33 नंबर का। नाउ चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे हैं, ऑप्शन ए है आपका स्वर्ण, ऑप्शन बी है ताम्र, ऑप्शन सी है रजत, और ऑप्शन डी है लौह। फाइनल आंसर प्लॉट कर रहा हूं मैं 33 का। तो दृष्टिप्रद वर्ती निर्माण करते समय घटक द्रव्य को दूध में घोट करके अपने को कौन से पात्र में रखना है? तो ताम्र के पात्र में रखना है लेप करके। तो यहां पे आपका बी आंसर जाएगा 33 का। नाउ 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कृच्छतम मूत्र कृच्छ है, तो कृच्छतम मूत्र कृच्छ है क्या है आपका? कृच्छतम मूत्र कृच्छ, ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है सन्निपातज, और ऑप्शन डी है कफज। कृच्छतम मूत्र कृच्छ कौन से हैं?
34 का आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कृच्छितम मूत्रकिच्छ आपको किसका बोला गया? सन्निपातक जो मूत्रकिच्छ होता है वो कृच्छितम होता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। नौ 35th नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 35th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है? तो क्या बोला गया है, तो आपका वालिद पालिद में लौह भस्म किसके साथ देना चाहिए, ये पूछा गया 35th नंबर के क्वेश्चन में। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे हैं। ऑप्शन है आपका सुंठी चूर्ण, ऑप्शन बी है आपका कज्जली पिपली, ऑप्शन सी है त्रिफला, और ऑप्शन डी है आपका विडंग। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो 35th नंबर का। चार ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। 35th में जो बोला गया है वालिद पालित्य में लौह भस्म किसके साथ में देना चाहिए, तो त्रिफला के साथ देना चाहिए, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला गया 36 नंबर के क्वेश्चन में? तो वृत्त स्तंभ मूर्धमय गौरवम अभस्य, इसके अलावा आपका बोला गया है यहाँ पे आपका उद्रासग्ने सपिपन पिपा पिनसेन। अगेन मैं अच्छे से कोटेशन को बोल रहा हूँ। हृत स्तंभ मूर्ध्वमय गौरव अभ्यास उदासग्ने सपिनसेन, किस व्याधि का लक्षण है बताओ, किस व्याधि के लक्षण में आया है ये? 36 के आपके चार ऑप्शन मैं यहाँ पे आपके बता देता हूँ। ऑप्शन है आपका अम्लपित्त, ऑप्शन बी है अनाह, ऑप्शन सी है आपका हृदरोग, ऑप्शन डी है उदावर्त। चार ऑप्शन, यह 36 नंबर का क्वेश्चन रहा। तो हृदय स्तंभ मूर्धमय किसके लिए बोला गया है? गौरव अभ्यास, सॉरी गौरव अभ्यास किसके लिए बोला गया है? फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो हृदय स्तंभ मूर्धमय मिली अनाह के लिए बोला गया है, बी आंसर जाएगा इसका 36 का। 37 नंबर की क्वेश्चन की ओर आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका। दृष्टप्रद वर्ती निर्माण करते समय घटक द्रव्य को दूध में घोट कर ताम्र पात्र में लेप करके कितने समय तक रखना चाहिए? दृष्टि प्रसाद जो आपके द्रव्य दृष्टि प्रसाद वर्ती निर्माण करते समय घटक द्रव्य को दूध में घोट कर ताम्र पात्र में लेप करके कितने समय तक रखना चाहिए? 37 के आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 10 days, ऑप्शन बी है आपका 7 days, ऑप्शन सी है 15 days, और ऑप्शन डी है आपका 20 days। अगेन क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो 7 days तक रखना चाहिए दृष्टि प्रसारण वाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 38 नंबर का क्वेश्चन। चरक अनुसार नासा रुंसिका में दोष होता है, क्या कौन सा दोष होता है नासा रुंसिका में? ऑप्शन ए है आपका वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है वात पित्त, और ऑप्शन डी है वात कफ। नासा रुंसिका में कौन सा दोष होता है? 38 नंबर का क्वेश्चन, फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं। नासा रुंसिका में कौन सा दोष होता है? तो वात पित्त दोष होता है, मैच करते जाओ, सी आंसर जाएगा 38 का। नौ 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 39 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो उरु स्तंभ में कौन से दोष दुष्य होते हैं, उरु स्तंभ में कौन से दोष दुष्य होते हैं? 39 नंबर के क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका आम प्लस कफ, ऑप्शन बी है आपका त्रिदोष, ऑप्शन सी है आम वात कफ, और ऑप्शन डी है आम प्लस त्रिदोष। क्वेश्चन अच्छा समझो 39 नंबर का। ये चार ऑप्शन है, उरु स्तंभ में कौन से दोष और दुष्य होते हैं? तो फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, तो आम और त्रिदोष होते हैं, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन यहाँ पे आते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे बोला गया है प्रागुपम ध्यान निद्रा अति स्थैमित्य आरोचक ज्वरा किसके पूर्व रूप है, किसका पूर्व रूप है?
अच्छे से पढ़ लो। 40 नंबर का चार ऑप्शन है आपके सामने। ज्वर का पूर्व रूप है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उन्माद का पूर्व रूप है, ऑप्शन सी अपस्मार का पूर्व रूप है, या ऑप्शन डी उरु स्तंभ का पूर्व रूप है। किसका पूर्व रूप है यह? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये उरु स्तंभ का पूर्व रूप है, उरु स्तंभ के पूर्व रूप में ये आपको देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं, 41 नंबर के क्वेश्चन में। तो 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अविधेय परिस्पंदन किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है? अविधेय परिस्पंदन किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका वात रक्त, ऑप्शन बी है आपका उरु स्तंभ, ऑप्शन सी है पांडु, और ऑप्शन डी है गुल्म। क्वेश्चन अच्छे समझो। 41, चार ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो अविधेय परिस्पंद मिली उरु स्तंभ के लिए बोला गया है, तो बी आंसर जाएगा यहाँ पे 41 का। नाउ 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 42 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है चरकोक्त तो सैंधवादी तैल में प्रयुक्त भल्लातक की संख्या है। 42 में बोला गया है चरकोक्त तो सैंधवादी तैल में प्रयुक्त भल्लातक की संख्या कितनी बोली गई है? चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20, और ऑप्शन डी है 25। 10, 12, 20, 25। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। 42 का, तो चरकोक्त संध्यावादी तैल में प्रयुक्त तो भल्लातक की संख्या जो है वो कितने बताया गया? 20 बताया गया। सी आंसर जाएगा आपका, 42 का सी। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन आ जाते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है, वात यदि कफ एवं पित्त दोनों दोनों से आवृत हो तो सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? वात यदि कफ एवं पित्त दोनों से आवृत हो तो सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? 43 नंबर का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है वातिक, ऑप्शन बी है पित्तिक, ऑप्शन सी है कफज, और ऑप्शन डी है त्रिदोषज, तीनों दोष की। बताओ, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो वात यदि कफ एवं पित्त दोनों से आवृत हो तो सर्वप्रथम किसकी चिकित्सा करना चाहिए? तो सर्वप्रथम पित्त की चिकित्सा करना चाहिए, बी आंसर जाएगा 43 का। नाउ 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 44 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो चरक ने आड़यवाद की संज्ञा किसे दी है? चरक ने आड़यवाद की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन ए है आपका वात रक्त को, ऑप्शन बी है आपका मेद से आवृत वात को, ऑप्शन सी है आपका मांस से आवृत वात को, और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन, आड़यवाद की संज्ञा किसको दी है चरक ने? फाइनल आंसर पुटअप कर लिए, अब मैं आंसर बता रहा हूँ। तो वात वात रक्त को भी दिया है, और आपका मेद मेद से आवृत वात को भी दिया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? क्षय वृद्धि समत्वम च तथैव आवरणम भीषकम विज्ञा पवन आदिनम न प्रमुहियते कर्मशु, किसका संदर्भ में आया है? इसका संदर्भ पूछा गया है, मतलब रेफरेंस पूछा गया है। बताओ, तो चरक सूत्र, चरक चिकित्सा, सुश्रुत निदान, अष्टांग हृदय, सॉरी अष्टांग संग्रह, सभी को आंसर आ गया होगा इसका, तो समझ में ही आ गया होगा जिसका कर रहे हैं उसी से रिलेटेड डाला था मैंने। बी आंसर जाएगा 45 का। नाउ 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताओ, तो यहां पे आपका बोला गया है शिरो नासा अक्षि जत्रुणाम ग्रीवा ग्रीवायश्च अपि हुंडनम में हुंडनम शब्द का क्या अर्थ है? 46 नंबर के क्वेश्चन है, चार आपके सामने। मैं क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले चार ऑप्शन में आपके सामने ये प्लॉट कर रहा हूं। बताओ, तो पहला ऑप्शन है सीरा प्रभृति नाम मंत प्रवेश,
बी ऑप्शन है आपका ग्रीवा कंपन्नम, ऑप्शन सी है ग्रीवा स्तंभन, और ऑप्शन डी है आपका ग्रीवा विपन। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो। मुंडनम का अर्थ क्या है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो ऑप्शन ए जाएगा यहाँ पे, चिरा प्रभृति नामंत प्रवेशम। 47 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर बोला गया है स्मृति बल क्षय यह किस आवृतवाद के लक्षण है। स्मृति बल क्षयम यह किस आवृतवाद के लक्षण है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे चार। ऑप्शन ए प्राण आवृतवाद, ऑप्शन बी है प्राणावृत समान, सॉरी प्राणावृत व्यान, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है आपका प्राणावृत समान, ऑप्शन सी है समानावृत अपान, और ऑप्शन डी है आपका उदानावृत प्राण। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझो। स्मृति बल क्षयम यह किस आवृतवाद के लक्षण है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो स्मृति बल क्षयम यह प्राणावृत व्यान के लक्षण है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा 47 का। 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है कफ कफमेहस्य चागमः किस आवृत वायु का लक्षण है। 48 नंबर का क्वेश्चन है ये। चार ऑप्शन है, क्वेश्चन अच्छे समझ लो। नाउ फोर ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन है आपका कफ आवृत अपान वायु, ऑप्शन बी कफ आवृत समान वायु, ऑप्शन सी आपका द्वंद्व आवृत वायु, और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। क्वेश्चन अच्छे समझ लो, फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका कफ कफमेहस्य च आगम ये मिल लिया आपका, क्या बोला गया है किसके हैं लक्षण? तो ये मिल लिया कफ आवृत अपान वायु का है। 48 का ये जाएगा आंसर। आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, वो अपन यहाँ पे देखते हैं अभी का। तो यहाँ पे बोला गया अग्नि ओज बल नाशक, तो अग्नि ओज और बल का नाश निम्न में से किस आवरण का लक्षण है। अग्नि ओज और बल का नाश हो रहा है तो ये किस आवरण का लक्षण है। चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है उदान आवृत, उदान वायु से आवृत जो आपका प्राण वायु है, अपान आवृत से आवृत उदान वायु, ऑप्शन सी है व्यान वायु से आवृत अपान वायु, और ऑप्शन डी है समान वायु से आवृत व्यान वायु। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। 49 नंबर। नाउ ऑप्शन इज, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका बोला गया है अग्नि ओज बल का नाश मिलने समान वायु से आवृत व्यान वायु में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये डी आंसर जाएगा इसका। नाउ अभी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। क्या बोला गया है? ज्ञात्वा स्मृति बल क्षय, ज्ञात्वा स्मृति बल क्षय निम्न में से किस आवरण का लक्षण है। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है आपका व्यान वायु से आवृत प्राण वायु, ऑप्शन बी है प्राण वायु से आवृत व्यान वायु, ऑप्शन सी है प्राण वायु से आवृत समान वायु, और ऑप्शन डी है समान वायु से आवृत अपान वायु। अगेन क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। ज्ञात्वा स्मृति बल क्षयम किसके आवरण का लक्षण है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो प्राण वायु से आवृत व्यान वायु का है, बी आंसर जाएगा 50 का। तो यहाँ पे अपन लोगों ने फर्स्ट स्लॉट में आपका 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कितना नंबरिंग आया है आप लोग चेक करते रहो, अपना अपना इम्प्रूव हो रहा होगा, आप लोग को खुद को समझ में भी आ रहा होगा। नौ नेक्स्ट स्लॉट में अपन लोग 51 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो अभी के लिए एंड करते हैं अभी का क्लास। ओके, थैंक यू।